दोस्तों ये आपके सामने है मारुति सुजुकी जिम्नी का टॉप वेरिएंट जो कि अल्फा ऑटोमेटिक वेरिएंट है। 17,20,000 में ऑन रोड इसकी कीमत है और ये आपको मिल जाता है यहाँ पे व्हाइट कलर। देखिए दो आपको वेरिएंट इसमें मिलेंगे जीटा अल्फा, तो आपके सामने टॉप वेरिएंट है ऑटोमेटिक में। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट में हेडलैम्प्स मिलती है, LED में DRL है। यहाँ पे मौसम जो मिलता है हेडलैम्प्स के लिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर फ्रंट में ही। यहाँ पर आपको हेलोजन में है फॉग लैंप मिलती है और ये आता है सामने का जो व्यू है क्रोम फेस का, देख सकते हैं एक बार पूरा व्यू देखिए, तो ये आता है प्यारा सा लुक। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, फ्रंट में वेंटिलेटर डिस्क ब्रेक मिलेंगे और व्हील साइज की बात है 15 इंचेस के मिलेंगे और रियर में आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स और ये फाइबर में मिलेगा। यहाँ पर जो क्लाइडिंग का व्यू, रनिंग बोर्ड आपको ये भी आपको यहाँ पे फाइबर कवर का ऊपर से मिल जाता है और ये आपको कर्व यहाँ पे साइड में मिलेंगे। पियानो ब्लैक फ्लेस में आपको ORVM मिल जाते हैं और ये आता है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे डोर हैंडल बॉडी कलर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है दोनों साइड और बैक में भी मिलेगा। ये आता है बैक का व्यू और यहाँ पर ये आपको ग्लास मिल जाता है यहाँ पे वर्टिकल शेप में और जो बैक का प्रोफाइल है तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैक में आपको यहाँ पे मिलेगा जिम्नी क्रोमफेस में लिखा हुआ रिक्वेस्ट सेंसर है। यहाँ पे स्टॉप लाइट आपको मिलती है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट, दो सेंसर आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है इस जगह जहाँ पे नंबर प्लेट आपकी लगती है। एक स्टपनी है ये बाहर साइड मिलेगी, बैक में डिफॉगर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाइपर और इसमें स्पेस की बात करें तो 208 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या मिलती है, जो ग्राउंड क्लीयरेंस वो आपको मिल जाता है 210 mm का। तो आप समझ सकते हैं ग्राउंड क्लीयरेंस की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। और ये आता है प्रोफाइल बैक का, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा रेडियो एंटीना यहाँ पे कॉर्नर पे मिलता है और ये आएगा यहाँ पर 40 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, रेक्टेंगल से डिजाइन आपको मिलता है। और यहाँ पर बैक का जो स्पेस चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मिल जाता है, ये ग्रैब हैंडल है, मिरर कंट्रोल है, लॉक के बटन क्रोम फिनिश में, यहाँ पर फाइल स्टोरेज वगैरह कुछ भी ऑप्शन वगैरह यहाँ पर नहीं है। ये सीट्स आपको मिल जाती है दो लोगों के लिए स्पेस है और यहाँ पर दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, 50-50 का स्प्लिट कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। एक लैंप लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है हेलोजन में, यहाँ पे फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल दोनों साइड आपको मिल जाते हैं। तो ये है जो सीट है बैक वाली, इसका स्पेस है। 5-डोर जिम्नी का व्यू आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर आपको देखिए ये डोर का व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये मस्कुलर सा डिजाइन है, फ्रेश में लॉक का बटन है, यहाँ पर फाइल स्टोरेज है, स्पीकर, यहाँ पे 4 स्पीकर आपको मिलेंगे। और इंटीरियर में दिखाते हैं तो ये आपको देखिए ऑटोमेटिक इंजन आपको बटन मिलेगा, लाइट्स का एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM के लिए, ऑटो फोल्ड ORVM का बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, दो यहाँ पर पैडल्स आपको मिल जाते हैं एक्सेलेरेटर का, ब्रेक का, यहाँ पे एक डेड पैडल भी मिलता है और ये आएगा स्टीयरिंग कॉलम। क्रूज कंट्रोल है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम मोड्स कंट्रोल है, सुजुकी ग्रुप इसमें लोगो है, यहाँ पर आपको कॉल करने डिस्कनेक्ट वॉइस कमांड है। यहाँ पर सामने आपको मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको MID मिलेगी, यहाँ पर लेफ्ट साइड RPM है, राइट साइड में 180 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड, मैनुअल ओडोमीटर देखने को मिलता है। ये आपको डैशबोर्ड है, 9 इंच का टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर मिलता है, 2 सीक्वेंट्स यहाँ पर है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पर मोड्स मिल जाते हैं कंट्रोल। ये आपको देखिए मिरर कंट्रोल है, को ड्राइवर साइड है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल असिस्ट है, ये ड्राइवर साइड का मिरर कंट्रोल है। यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड ये मिल जाते हैं। ये आपको लीवर मिल जाता है 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव का, ये आपको हैंड ब्रेक है, क्रूज कंट्रोल के साथ मिरर कंट्रोल, बैक वाली सीट के लिए 2 कप होल्डर यहाँ पर मिलते हैं। ये कंप्लीट इंटीरियर का व्यू है, यहाँ पर आपको सनवाइजर मिल जाता है, ये वेंटी मिरर के साथ में, और लेफ्ट साइड में भी सेम चीज वेंटी मिरर के साथ सनवाइजर है, IRVM मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको एक लैंप लाइट हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है, फिक्स्ड में ग्रैब हैंडल आप मिलते हैं, यहाँ पर मस्कुलर डिजाइन मिलता है, 6 एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और ये आपको मिल जाता है छोटा सा ग्लव बॉक्स। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है आपकी, नई जिम्नी जो है इसका व्यू आपको बहुत ही प्यारा सा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं वाइट जिम्नी कलर है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस 200 जिम्नी के लिए एक लाइक तो बनता है, फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वाइट कलर की जिम्नी के लिए। तो ऐसे कार के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में।